आज हम करने वाले हैं दो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश को कंपेयर, बिकॉज दोनों के प्राइस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो मैंने सोचा देख लेते हैं प्राइस में ही डिफरेंस है, काम में भी डिफरेंस है। तो सबसे पहले है मेरे पास फ्लिप्स का, दूसरा है मैंने मीशो से परचेज किया था, और ये फ्लिप्स वाला मुझे कॉस्ट किया अप्रोक्स 2700 का, मीशो वाला लगभग 300 का। अगर मैं इनके वायर की बात करूँ तो जो फ्लिप्स वाला स्ट्रेटनर है उसकी वायर क्वालिटी और वायर लेंथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब यार इतना पैसा ले रहे हैं तो इतना तो उनका भी देना बनता है। उसके बाद बालों को अच्छे से कर लेते हैं कॉम्ब। दोनों को हम यूज़ करेंगे हाफ हाफ पोर्शन में। सबसे पहले मैं मीशो वाला ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। इसको बालों को स्ट्रेट करने के लिए मुझे इस ब्रश को लाइक 7 to 8 टाइम रन करना पड़ा था बालों में, बट आप एंड रिजल्ट देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दूसरी साइड मैंने फ्लिप्स वाला यूज़ किया है, इससे मेरे को लाइक 1 या 2 बार ही मेरे बालों में रन करना पड़ा इस ब्रश को, और इसमें ही ये स्ट्रेट हो गए थे। लेकिन एंड में कोई नहीं बता सकता कि मैंने कौन से बाल किससे स्ट्रेट किए हैं, बट जो मीशो वाला ब्रश है उसमें आपको सेरेमिक प्लेट्स वगैरह नहीं मिलेगी।